हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के द्वारा। जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है वो क्या? जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है जो एक एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो ट्रीटमेंट ऑफ द सीरियस और सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब सीरियस होगा या सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। जैसे बोन का इन्फेक्शन हुआ है, बोन इन्फेक्शन हुआ है तो उसका जेंटो में होता है। एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन होता है उसमें भी होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज उसमें भी इसका यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन हुआ है मेनिंजस में, इसके बाद निमोनिया हुआ है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका जेंटामाइसिन का यूज किया जाता है। और सेप्सिस एनीमिया उसमें भी इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें अधिकतर यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसका रूट कौन कौन से रूट से इसको दे सकते हैं, तो एक फर्स्ट होता है आईवी रूट होता है। इंट्रावीनस से भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट दोनों रूट से आप दे सकते हैं, इंट्रावीनस और आई इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होती है अगर जेंटामाइसिन इंजेक्शन के देने के बाद, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, एनाफाइलेक्सिस हो गया है, तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन देने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलती है, जैसे कि लो ब्लड सेल काउंट हो जाते हैं, मतलब ब्लड सेल्स का काउंट लो हो जाता है, कम होने लगते हैं। एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं, मतलब एलर्जी हो जाती है, हो जाता है। न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम होता है, न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम होने लगती है, नर्व डैमेज हो जाती है इससे। किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे किडनी डैमेज होने के वो भी रहता है, मतलब इसके साइड इफेक्ट वो देखने को मिलता है। और एयर डिसऑर्डर, यानी हेयर डिसऑर्डर भी हो, एयर होता है यानी कान में भी कुछ डिसऑर्डर और देखने को मिलते हैं इससे, जेंटामाइसिन से इंजेक्शन से कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट मिलते हैं। तो ये एक जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है आईपी इंडियन फार्माकोलॉजी, क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसके दो रूट हो सकते हैं, एक तो आईवी हो सकता है, आईवी आईएम भी हो सकता है, तो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। एंटीबैक्टीरियल बायोटिक यानी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें अधिकतर इसका यूज किया जाता है। बोन इन्फेक्शन होगा, एंडोकार्डाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस एवं अदर्स, मतलब इस टाइप के इन्फेक्शन में इसका मेनली यूज किया जाता है। अधिकतर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मोस्टली उसमें अधिकतर जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वही दो होते हैं, इंट्रावीनस और इंट्रा मस्कुलर, अधिकतर ये दोनों ही होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर प्लीज़। धन्यवाद।